लेट्स डू होमवर्क। तो अब हम होमवर्क करते हैं। तो पहला क्या है, पुट राउंड फॉर द राउंड ऑब्जेक्ट एंड एरो फॉर द लॉन्ग ऑब्जेक्ट इन द गिवन बॉक्स। यानी कि जो ऑब्जेक्ट राउंड शेप में है उसकी साइड में जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको राउंड करना होगा। उसे राउंड बोला जा सकता है, सर्कल बोला जा सकता है, ज़ीरो बोला जा सकता है, तो वो आपको करना होगा। और जो ऑब्जेक्ट लॉन्ग है उसकी साइड में आपको जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको एरो करना होगा। तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ कितने ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है हमारा अर्थ। अर्थ कैसा होता है, राउंड होता है। तो हमें जो साइड में बॉक्स दिया गया है उसमें क्या करना होगा, राउंड करना होगा। बाद में क्या है, झाड़ू है। झाड़ू कैसा ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट। लॉन्ग ऑब्जेक्ट के साइड में आपको क्या करना होगा, एरो करना होगा। बाद में क्या है, टायर। टायर कैसा ऑब्जेक्ट है, राउंड ऑब्जेक्ट है। राउंड ऑब्जेक्ट की साइड में जो बॉक्स है उसमें क्या करना होगा, आपको राउंड करना होगा। वैसे ही आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि टेस्टर, बटन, स्ट्रीट लाइट, सिलेंडिकल शेप, बंगली यानी कि कंगन, छड़ी, वैसे ही बहुत सारे आपको शेप दिए गए हैं, बहुत सारे ड्राइंग आपको यानी कि ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट लॉन्ग है, कौन सा ऑब्जेक्ट राउंड है, और उसके अकॉर्डिंग आपको साइड में जो बॉक्स दिया गया है उसमें सर्कल यानी कि क्या राउंड कीजिए या फिर एरो करना होगा। तो हम चलते हैं अभी दूसरे एक्सरसाइज की ओर। तो वो क्या है, पुट राइट फॉर द ऑब्जेक्ट विच कैन रोल। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो रोल हो सके उसके साइड, वो हो स्लाइड यानी कि जो ऑब्जेक्ट सरफेस पर रख सके, जिसे हमें रख सके, जिसकी सरफेस स्मूथ हो वैसे। एयर बी स्टैक्ड यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट रख सके। एंड क्रॉस यानी कि आपको जो ऑब्जेक्ट रोल हो, स्लाइड हो और स्टैक हो सकता हो उसके साइड में जो बॉक्स दिया गया हो उसमें राइट करना है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल ना हो सके, स्लाइड ना हो सके और स्टैक ना हो सके तो आपको उसके साइड में जितने भी बॉक्स दिए गए हैं उन बॉक्स में से जो अकॉर्डिंगली जो नहीं हो सकता है उसमें आपको क्रॉस करना होगा। तो यहाँ पर है पहला ऑब्जेक्ट टायर। तो टायर कैसा होता है, टायर रोल हो सकता है यानी कि वो रोलिंग ऑब्जेक्ट है। स्लाइड यानी कि उसे हम लोग स्मूथ सरफेस पर रख सकते यानी कि स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है। और एक टायर के ऊपर हम लोग वैसे ही दूसरे बहुत सारे टायर रख सकते हैं, तो क्या आएगा, वो स्टैक ऑब्जेक्ट भी है। तो हम देखते हैं बाद में मटका। मटका कैसा होता है, रोल नहीं हो रोल होता है, मटका रोल होता है। उसे हम किसी भी सपोर्ट के बिना हम लोग उसे स्मूथ सरफेस पर नहीं रख सकते, इसीलिए क्या आएगा, स्लाइड में कैंसल आएगा। और स्टैक यानी कि एक मटके के ऊपर हम लोग दूसरे मटके भी रख सकते हैं यानी कि क्या आएगा, वो स्टैक ऑब्जेक्ट है। बाद में है कार्ड्स। बाद में क्या है, कार्ड्स। तो जो कार्ड्स है वो रोल नहीं होते हैं, हम कार्ड्स को नीचे स्मूथ सरफेस पर रख सकते हैं और कार्ड एक कार्ड के ऊपर दूसरे बहुत सारे कार्ड्स रख सकते हैं। बाद में आएगा बक्सा। बक्सा यानी कि पेटी। बक्सा है वो वहाँ क्या होगा, बक्सा रोल नहीं होता है। एक बक्से को हम लोग स्मूथ सरफेस पर रख सकते हैं, एक बक्से के ऊपर दूसरे वैसे ही बहुत सारे बक्से हम लोग रख सकते हैं, तो वो क्या हुआ, स्लाइडिंग एंड स्टैक ऑब्जेक्ट हुआ। वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसे आपको अपने आप ही कंप्लीट करना होगा। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाकर आपको समझा दिया है कि आपको कैसे करना होगा। थैंक यू एवरीवन।